नमस्कार मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? हम सभी का आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए ऐसा टेक्सचर पैक देने वाला हूं जो कि आपका बहुत ज़्यादा लैग रिड्यूस करेगा और इसकी ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ करूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा भी है। और ये टेक्सचर पैक माइनक्राफ्ट ने अपने बहुत सारे ट्रेलर्स में भी यूज़ किया हुआ है जो कि मैं आपको वीडियो में कॉपीराइट की इशूज़ की वजह से शो नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि माइनक्राफ्ट ने इसे किस किस ट्रेलर में यूज़ किया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें सारी की सारी ओर्स के टेक्सचर्स एक बार दिखा देता हूँ। और गाइज आपको कुछ ऐसे टेक्सचर्स मिलते हैं सारी की सारी ओर्स के इसमें। तो गाइज एक दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि एड्रेड SMP स्क्रिप्टेड होनी चाहिए फिर अनस्क्रिप्टेड। तो कम्युनिटी बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर एक वोट बहुत कीमती होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले तो गाइज आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको एक दो लिंक मिलेंगे, एक MCPDL वेबसाइट का और एक मीडियाफायर डॉक्यूमेंट का, और आप किसी भी लिंक से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इसे ओपन करना है सेटा अचीवर से। और इसे ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक बार बैक करना है और इस फाइल को सिंगल क्लिक करके व्यू वाली एरो पे क्लिक करना है और अब आपकी माइनक्राफ्ट ओपन होनी शुरू हो जाएगी। गाइस माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपका इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये कुछ सेकंड्स बाद सक्सेसफुल भी हो जाएगा। और गाइस जैसे ही आपका इंपोर्ट सक्सेसफुल है उसके बाद आपको अपनी गेम्स की सेटिंग्स में जाके ग्लोबल रिसोर्सेज में जाके इस वाले पैक को एक्टिवेट कर देना है। और उसके बाद आप एक्टिव पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और उसके बाद सिंपली आपको सेटिंग्स में से एक बार बैक कर देना है और अब आपका टेक्सचर पैक सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। ये सारे के सारे सर्वर्स और वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। और मैं आपको प्रूफ शो करने के लिए एक बार एक वर्ल्ड को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। गाइस आपको वर्ल्ड को डायरेक्टली क्रिएट करना है बिना कोई रिसोर्स पैक्स वगैरह को एक्टिवेट किए हुए। आप चाहो तो कोई शेडर भी इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अब हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और आप प्रूफ भी देख सकते हो कि ये बिल्कुल वर्क कर रहा है हमारे डिवाइस में और सारे के सारे टेक्स्चर अप्लाई हो चुके हैं। और अगर गाइस आपको अपनी गेम का लैग और भी ज़्यादा रिड्यूस करना है तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके वीडियो में जाके रेंडर डिस्टेंस को कम कर सकते हो। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो मैं आपको 6 chunks या फिर 8 chunks प्रेफर करता हूँ। ये करने के बाद आपकी माइनक्राफ्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी बिना किसी टेक्स्चर पैक के। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।